राजस्थान में अगले हफ्ते से खेलों का रोमांच सिर चढ़कर बोलेगा। 23 जून से प्रदेश भर में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी। इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। लगभग 54,71,000 लोगों ने खेलों की अलग अलग स्पर्धाओं के लिए अपना पंजीकरण करवाया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए लगभग 42.28 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें से 23.80 लाख पुरुष जबकि 18.48 लाख महिलाएं हैं। इनमें से 4.48 लाख व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन 40,936 टीमों के रूप में हुए हैं। वहीं शहरी ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए करीब 12.43 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनमें से 7.71 लाख पुरुष जबकि 4.72 लाख महिलाएं हैं। इनमें से 47,067 व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन 4,504 टीमों के रूप में किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब प्रतिभागियों के लिए एडिटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाला कोई भी व्यक्ति अपने खेल या श्रेणी में परिवर्तन कर सकता है। दरअसल ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के तहत 7-7 प्रकार के खेलों का आयोजन होगा। ग्राम पंचायत और नगर पालिका स्तर तक आयोजित होने वाले इन खेलों के प्रति महिलाओं और बुजुर्गों का भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों में 3 और शहरी ओलंपिक खेलों में 4 स्तरों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। गाँव के स्कूलों में बच्चे ग्रामीण खेलों की तैयारी में जी जान से जुटे हुए हैं। बहरहाल ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के प्रदेश में एक बार फिर शुरू होने से यहां खेलों के प्रति लोगों में रुचि बढ़ेगी, साथ ही प्रदेश में खेलों के अच्छे वातावरण की धमक देश और विदेश में आने वाले दिनों में देखने को भी मिलेगी। जन टीवी के लिए दशरथ सिंह की रिपोर्ट।